सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। जिस सिमरत सब किल विखनासे, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जा का अंत ना पारो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कोटकपुरे तो चलते हुए श्री मुक्तसर साहब आ पहुँचे, जिथे तुरकां ने गुरु जी नूं घेरा पा लिया ते उत्थे बहुत भयानक जंग हुई। 40 सिंघां ने गुरु जी नूं बेदावा लिख के दिता कि असीं तुहाडे सिख नहीं हाँ। गुरु जी ने उहनां दा बेदावा अपने कमर कसे विच संभाल के रख लिया, पर जंग हुंदिया हुंदिया ही वह 40 सिंघ बहुत छेती महा सिंह की अगवाई हेठ वापस आ गए। तो महा सिंह ने गुरु जी को कह के उन्हां द्वारा लिखा हुआ बेदावा फड़वा दिता, तो गुरु जी तो वर प्राप्त करके 40 सिंघां समेत मुक्त हो गया। बहुत सिंह उत्थे शहीद हो गए। इस प्रकार सारी किरत करके महा सिंह की गल चेते की। महा सिंह ने वड्डा उपकार किया है, होर कुछ नहीं लिया है, यह उचारण करता रहा है। उसने सारी टुटी हुई संगत नू मेल लिया है, वह सारे गुरु जी की पंगत विच प्रवेश कर गए हैं। सारे साथियों नू कह के सुनाया, हित धार के उसने भला कार्य किया है। गुरसिखी की वड्डी बुनियाद फिर बाद विच विगड़ गई हुंदी, फिर बाद विच मिलन वास्ते कोई समा नहीं सी, प्राण त्यागन तक कदकार होनी सी। फिर ऐसा उपकारी मिलना मुश्किल सी जड़ा अपने हित नू छड के अजिहे विगाड़ दा सुधार करदा। उसने गुरसिखी नू अपने देश विच रख लिया, जिहड़े बाकी कदीमी सिख सन। श्री गुरु नानक देव जी ते होर गुरु साहिबान माझे विच बहुत लम्मा समा विचरे अते वसे, हुण दी कसौटी सह ना सकदे जिहड़े उस समय तो सिखी तो खारिज कीते हुंदे। महा सिंह ने वड्डा सूरबीर बन के वर लै के सारा माझा देश का उधार कर दिता है। इस प्रकार सतगुरु जी ने बहुत वार उच्चारण किया, टुटी गंढण की गल बहुत याद की, भूत भविख का प्रसंग विचार के सतगुरु जी सर्व प्रकार प्रसन्न हो गए। चौधरी कपूरे का आदमी खाना जड़ा गुरु जी ने राह दसण वास्ते आया सी, वह कपूरे पास पहुँच गया, पर उसने गुरु जी बारे कुछ भी ना दसिया। वह लश्कर दे विच चुप ही रहिंदा सी, जद गुरु जी प्रगट होणगे तां आप ही जाण लैणगे। उस स्थान नू जलहीन जाण के सतगुरु जी ने अगे जाणा चाहिया। जिहड़े बैराड़ नौकर रखे सन उहनां नू कहा, अगे चलो, तुसी उजाड़ वेख लई है, जिथे निर्मल जल दा थल पावो छेती चल के उत्थे डेरा लाओ। इस प्रकार कह के घोड़िआं नू तोर के चल पए। अगे जा के एक भले स्थान विखे एक सरां वेखी, उत्थे एक सुंदर सरोवर भी वेख्या। उस दे किनारे गुरु जी ने डेरा ला लिया, जिथे किथे उतर के घोड़े बन दिते ते घा ते लकड़ियां इकट्ठियां करवाईयां, ते सिंह जिथे किथे फिरन लगे। उत्थे एक साध दा आश्रम सी, उह अपने सेवकां नू पुछण लगा, सरोवर दे परले पासे किसने उतारा किया है। उहनां दे बोल सुनाई दिंदे हन, कित्थों आए हन ते किथे जा रहे हन। उस दे सेवकां ने दस दिता, तुरकां नू मारन वाले गुरु जी ने उतारा किया है। तुरकां नाल भारी जंग करके कई वारी हजारां तुरक नाश कर दिते हन। यह सुन के साध ने फिर पुछया, गुरु जी की उम्र किन्नी है, किन्ने सिख सेवक नाल हन, कि जंग करदे नहीं इत्थे आ के उतारा किया है। उत्थे सिंह फिरदे फिरौंदे गए, उन्होंने गल पुछी ते उन्होंने दस दिता, उन्हां दी उम्र 30 सालां तों उपर है ते 40 तों हेठां है। यह सुन के साध ने तर्क दे शब्द कहे, उस गुरु पासों असी की लैणा है, उसने कोई भी साधना साधी नहीं होवेगी ते शांति समेत उसका चित नहीं होवेगा। उसके कहे हुए शब्द नूं सिंह सुन के आ गए
पर उसके तर्क की गल सिंघां दे हिरदे विच बड़ी कड़कदी सी ते ओह खुणसदे सन। जब सतगुरु जी नूं आ के मिले तां साध दी कही होई गल उन्हां ने गुरु जी दे पास जाहर कीती। सुन के गुरु जी ने कहा, साध दी बड़ी वड्डी उम्र है, उसदे मन विच उम्र दा वड्डा घमंड है। उस साध दे कई चेले गुरु जी दे पास आए ते कहण लगे, दर्शन करांगे, ते उस थां बैठ गए। जद सिखां ने सतगुरु जी नूं पुछया, साध दी उम्र किन्नी है जिसका वह वड्डा हंकार कर रहा है ते तर्क करके आप जी नूं बचन कहे हन, गुरु जी ने कहा, 5000 साल ते 6 वीहां उपर वध हन, भाव 5120 साल है। स्वास टिका के समाधि लाउंदा है ते बैठा बैठा ही कई साल बतीत कर दिंदा है। कदी कदी समाधि छड़ दिंदा है, बोलदा है, वेखदा है ते इधर उधर तुरदा फिरदा है। यह सुन के साध दे चेले बहुत हैरान होए ते अपने गुरु साध पास आ गए। हे महंत जी, जेड़े सिख तुहाडी गल सुन के गए सन, उन्होंने तुहाडी ओह गल अपने गुरु जी नूं दसी है ते गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा, साध नूं वड्डी उम्र दा हंकार है। जद सिंघां ने उन्हां पासों तुहाडी उम्र बारे पुछा है तां उन्होंने तुहाडी सारी उम्र दस दित्ती है, 5000 ते 6 वीहां होर है, असी उस थां जा के सुनी है। साध हैरान हो के कहण लगा, मेरी इन्नी उम्र है, मैनू इस बारे पता है। यह गुरु जी सर्व कला समर्थ हैं, उन्हां दे दर्शन करने उचित हैं। हाथ विच सोटी लैके तुरंत उठ पिया ते हौली हौली सतगुरु जी दे पास पहुँच गया। गुरु जी दे अगे दीवान लगा होया सी ते सिंघ रहराज साहब दा पाठ कर रहे सन। नेड़े पहुँच के खड़ा रहा, सतगुरु जी ने उसनों वेख के कहा, साधो बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? यह सुन के गुरु जी ने प्रणाम किया, फिर सिंघां विच मिल के बैठ गया ते प्रेम धार के रहरास दा पाठ सुनदा रहा। जद अरदास हो गई ते भोग पै गया तां साध हाथ जोड़ के कहण लगा, अपने चरण कमलां नाल मैनू लगाओ, मैनू सिख करो ते अपना रूप समझाओ। तुहाडे दर्शनां उपर मैं बलिहार जांदा हाँ, तुसी सर्व कला समर्थ भारी गुणवान हो। सतगुरु जी ने मुस्कुरा के कहा, तू तां पहला ही सिख है, मुक्ति दे साधन तू बहुत साधे हैं, बहुत समाधियों विच अगाध नूं आराध्या है, अकाल पुरख नूं वंदना करो, वंदना करन नाल जन्म मरण दे बंधन नाश होणगे। इस प्रकार कह के सतगुरु जी ने किरपा दृष्टि नाल वेख्या तां उस समय ही हिरदे विच प्रकाश हो गया। बार बार चरण कमलां ते वंदना करदा सी ते गुरु जी दी महिमा जाण के हिरदे विच प्रसन्न हुंदा सी। फिर साध ने शरदा सहित कहा, इन्नी छोटी उम्र विच तुहानू इन्ना ग्यान किवें प्राप्त होया है? यह सुन के सतगुरु जी ने कहा, जिन्हां दे नवीं पोशाक हाथ आवे ओह लै के पहनदे हन, फिर शरीर दे अंग शोभदे हन, पर तू पुराणी देह सांभ रखी है, जिन्हां नूं नवें सोहणे शरीर मिलण ओह पुराणियां नूं की करन? वंदना करके साध बैठ गया। फिर कई सिंघां ने पुछया, तुहाडी उम्र विच बड़ा लम्मा समा लंघिया है, अजिहा कोई प्रसंग सुनाओ जिवें तुसी वेख्या है। एक बिरतांत फिर साध ने सुनाया, सुनो जिवें समा वेख्या है, एक दिन मैं समाधि खोली तां कोई भी नर नारी दिखाई नहीं सी दिंदा। जद मैं एक दो मंजिलां चल के गया तद मैं एक मनुख नूं वेख्या, उस नूं मैं बिरतांत बारे पुछया, की होया है? कोई भी मनुख दिखाई नहीं दिंदा है, काल पै गया सी, बहुत मनुख मर गए हैं, कोई कोई किसी स्थान ते रहिंदा है, 12 साल तक वड्डा काल पिया है, हुण वर्खा होण नाल काल खत्म होया है। हौली हौली फिर मनुख जगत विच हो गए। ऐसे बहुत समय बीते हैं, कई बार युद्ध कर करके बहुत मरे हैं, कई बारी उजड़े हैं ते कई बारी वसे हैं। कदी ऐसा समा ते कदी कैसा समा होया है, जगत विच ऐसे समय असी बहुत वेखे हैं। यह सुन के गुरु जी ने साध उपर बड़ी खुशी कीती, उसका हंकार आदि अते दुविधा दूर कीती। फिर साध मत्था टेक के आश्रम विच चला गया ते सतगुरु जी ने फिर प्रशादा छक के विश्राम कीता।
ते सौ के सुख सहित रात बतीत कीती ते सवेरे उठ के सौ च इशनान कीता। सो साह संगत जी, इत्थे 13वां अध्याय समाप्त हुंदा है जी, पर संघ सुणाउंदे होए होईआं अनेक भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शणी जी। दास नूं आग्या दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।